नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रचना बंसल। कहीं आप बहुत डिप्रेशन में तो नहीं है, कहीं आप परेशान तो नहीं रहते? अगर ऐसा है तो आज ये शो आपके लिए ही बना हुआ है। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाती। अगर आप लगातार डिप्रेशन में रहते हैं, लगातार परेशान रहते हैं, तो इससे बाहर निकलने की आपको जरूरत है। ये शो आपकी मदद करेगा। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, साथ ही साथ कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। डिप्रेशन और तनाव कब आपके लिए जानलेवा हो जाते हैं? मौत को गले लगाना क्यों सबसे आसान लगने लगता है? इससे कैसे बचाव होगा? दिल टूटने के बाद डिप्रेशन से बाहर निकलने के अचूक उपाय जानेंगे। कौन सी पूजा आपको गलत कदम से बचाएगी? शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ गुरुदेव से सीधा अपने सवाल आप कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी पर आप फोन कीजिए, इससे ज्यादा तरीके और आपको कहाँ मिलेंगे। गुरुजी, क्योंकि आज का शो बहुत गंभीर है, आज का विषय बहुत गंभीर है, डिप्रेशन एक ऐसी चीज है कि मानसिक स्थिति का अंदाजा नहीं होता। ऐसी कौन सी वो स्थिति होती है जब मानसिक तौर पर इंसान इतना परेशान हो जाए कि वो सुसाइड कर ले? इसके लक्षण क्या कुछ हो सकते हैं, हम कैसे पहचाने? जब भी जन्म कुंडली के अंदर बुध और राहु काफी खराब स्थिति के अंदर आ जाए, मान लीजिए कि राहु हो अष्टम भाव में और बुध हो बारहवें स्थान पर, ये एक स्थिति ऐसी है जिसके अंदर आदमी को कोई बहुत छोटी सी बात ही चुभ जाती है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आए हैं, जैसे स्कूल के अंदर अगर मान लो गए और कहीं कोई छोटी मोटी रैगिंग भी हो गई, उन्होंने दिल से लगा ली और उसके बाद वो डिप्रेशन से नहीं निकल पाए। कई बार ऐसे ही हालात घर में हो जाते हैं कि घर में किसी अपने ही प्रिय ने, अपने ही किसी खास रिश्तेदार ने या अपने ही भाई बहन ने अगर कोई बात कह दी तो वो इंसान को ऐसी चुभती है कि इंसान उस बात के बारे में ही लगातार सोचता रहता है और हालात खराब हो जाते हैं। कई बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि मान लो अगर किसी से वो प्यार करते हैं और उसके साथ किसी भी तरह का बिछोड़ा अगर हो गया या उसके साथ लड़ाई होने लगी, तब डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसका कारण ये की होता बेटा, जब भी बुध और राहु, बुध क्या है, बुध हमारे दिमाग की वो शक्ति है जो हमें हर तरह का धैर्य सिखाती है, प्लान बनाना सिखाती है और आराम से जिंदगी को कैसे स्मूथ वे में लेकर के जाना है इसकी बुद्धि देती है। जब हमारी जन्म कुंडली के अंदर ये बुध खराब हो जाए तो बेटा ये सारी बुद्धि न होकर के इंसान एक इमोशनल पार्ट के अंदर कैद हो जाता है और इंसान प्लान बनाने की जगह उसी बात को सोचता रहता है जो उसके साथ बीती हुई होती है, जिसको वो बुरा मानता है और बस अपने आसपास एक ऐसा जाल वो बुन लेता है जिसमें से निकल नहीं पाता। और बुध के साथ अगर राहु खराब भी हो जाए तो फिर क्या होता है, इंसान ऐसी सिचुएशन के अंदर तो जाता ही है लेकिन साथ में ही अपनी तरफ से बहुत सारी संभावनाएं और हर पल नई नई बना करके अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर लेता है और जिसके चलते हुए ना रातों को नींद आती है ना दिन में चैन कर पाता है, किसी और बात की तरफ ध्यान नहीं जाता और हर वक्त एक ही हिस्से के ऊपर कंसंट्रेट करके रहता है कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। जबकि जिंदगी कोई एक हिस्सा नहीं है बेटा, जब हम जिंदगी जीते हैं तो हमें एक तरह के लाखों हिस्सों में उतरना पड़ता है, हजारों हिस्सों में उतरना पड़ता है और हर जगह के अलग अलग फर्जों को पूरा करना पड़ता है। लेकिन ये बुध और राहु सिर्फ एक पार्ट को दिमाग में रख के इंसान का हाल खराब कर देते हैं। अब बुध और राहु अगर खराब हो गए, इसके साथ में अगर शनि भी मिल जाए, यानी कि वो भी खराब स्थिति में हो, तो फिर ये मामला बहुत बढ़ जाता है। फिर आपने देखा होगा कि जो लोग कई पुल पे चढ़ के वो सुसाइड कर लेते हैं, कोई पानी में डूब के सुसाइड कर लेते हैं, कोई घर की छत से कूद जाते हैं, बेटा ये वाले हालात उत्पन्न कर देता है। कारण ये है कि जब शनि और बुध और राहु यही वो ताकतें हैं जो बाकी ग्रहों की एनर्जी को पूरा ढक देती हैं, दिमाग को टोटली बंद कर देती हैं और इंसान का जीने को मन ही नहीं कर पाता, उसको जो चीज चाहिए अगर वो उसे नहीं मिली तो हालात खराब कर देती है।
गुरु जी, क्योंकि आज बहुत ही विशेष टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन में कई बार मानसिक स्थिति ऐसी होती है, जैसे कि आप बता भी रहे थे, कि इंसान खुदकुशी कर लेता है। ऐसे में क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? क्योंकि लक्षण तो आपने बता दिए, अगर कोई खुदकुशी करने वाला है, उस राह पर चल रहा है, तो कैसे बचाया जाए उसे? अगर इंसान को स्लीपिंग पिल्स भी लग चुकी हैं, कहने का मतलब बहुत सारी नींद की गोलियां खाने के बावजूद भी अगर उसको नींद नहीं आती, ऐसे लोगों के लिए मैं आपको खास तौर पर सचेत करना चाहता हूं कि इनको इस हिस्से का बहुत ही बुरा फल प्राप्त हो सकता है। इसीलिए बेटा, ये जो बुरे हालात है, ये बुध, राहु और शनि पैदा करते हैं। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, घर के अंदर कहीं पर भी नीला, काला और हरा रंग ना हो, और अगर घर पे रबर प्लांट, मनी प्लांट या बहुत ज्यादा मात्रा में तुलसी लगी हो तो बेटा सबसे पहले इसको हटा दीजिए। कारण यह है कि अगर बुध खराब हो और उस वक्त में मनी प्लांट, रबर प्लांट, तुलसी अपने घर के अंदर हो तो इनमें से बुध की ही एनर्जी निकलती है, तो खराब बुध को और एनर्जी मिलेगी तो वो और खराब होगा। इसीलिए इन पौधों में से कोई भी पौधा हो तो बेटा वो पहले घर से निकाल दीजिए, पहला काम यह। फिर उसके बाद बच्चे को शरीर पर जो वो कपड़े धारण करता हो उसमें नीला, काला और हरा रंग बिल्कुल ना हो, और उसके कमरे में ना हो, दीवारों पे ना हो, चादरों में ना हो, कर्टन में ना हो, इनसे बचाना। अब इसके उपाय की बात करते हैं। जिस भी इंसान को डिप्रेशन है बेटा, उसका ये बीच में से नाक छेदन करवाना बेहद जरूरी है, जिसके अंदर आप सोने की तार या चांदी की तार डाल सकते हो और तार को फोल्ड करके बेटा, मोल्ड करके अंदर की तरफ डाल दो ताकि बाहर नजर ना आए। अगर शर्म आती है तो बेटा इससे उत्तम उपाय क्या हो सकता है कि कोई नजर ही नहीं आएगी, ये चीज। दूसरा बेटा, कहीं पर भी बहते पानी के किनारे जाएं, अगर हो सके गंगा जी चले जाएं और सुबह और शाम को स्नान करें गंगा जी में, कम से कम एक दो फुट उतर करके चुभ मारकर बेटा स्नान करें, और जब उसके अंदर स्नान हो जाए उसके बाद में 2 किलो जौ कम से कम लेने, अगर 4 किलो ले और उत्तम होगा। 4 किलो जौ लेकर के जैसे सूर्य को जल दिया जाता है, इसी प्रकार से उसको लिफाफे को ऊपर करके उसको पानी में बहा दें। इस तरह से कम 3 दिन करें बेटा, सुबह और शाम, आप देखिए डिप्रेशन आपको भागता नजर आएगा। उसके बाद में एक रूटीन बना लीजिए कि 43 दिन लगातार 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के गरीबों में बांट दीजिए या जल प्रवाह कर दीजिए, सबसे जैसे आपको उत्तम लगे वैसा कर दीजिए। बेटा ये उपाय अगर हो गए तो शनि और बुध का मेल यानी कि साबुत बादाम और राहु यानी कि जौ, जहां हमने इनको अपने पास से दूर किया और इनके रंगों को दूर किया और घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, इनको अगर हमने घर से निकाल दिया और बच्चे के कमरे में, जिसको कि डिप्रेशन की स्थिति है, उसके कमरे के अंदर बहुत ज्यादा जूते चप्पल जो चमड़े के होते हैं बेटा, वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इस चीज का भी खास ध्यान रखें। अगर हमने इनको निकाल दिया तो बेटा डिप्रेशन आपको चुटकियों में भागता हुआ नजर आएगा और आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ मिलेगा। गुरुदेव, कई बार देखने में आता है कि लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर छोटा सा कोई नुकसान हो तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो लोग क्या कुछ उपाय करें जिससे वो एक सामान्य जिंदगी जी पाए? बेटा अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा अमीर है तो इसका मतलब ये है कि उसके शनि अच्छा है, और जब शनि अच्छा हो उस वक्त में क्या होता है, फिर सिर्फ बुध और राहु खराब होते हैं, और बुध और राहु यानी कि छोटी सी बात के ऊपर चिड़चिड़ापन बनना और उसके साथ में कई दिन का अपना माहौल खराब कर लेना, बेटा ये राहु ही क्रिएट करते हैं बुध के साथ मिलकर के। क्योंकि बुध और राहु जब भी मिलते हैं, इंसान इमोशनल वे में अच्छी चीज या बुरी चीज के साथ में एक तरह की अटैचमेंट बना लेते हैं। बहुत सारे आप लोग देखेंगे कि जिनका घर से बाहर भी संबंध हो जाता है और जबकि सामने वाला पूरा काबिल भी नहीं होता, लेकिन उसके मुंह पाश में फंस जाते हैं, बेटा ये भी बुध राहु ही करवाता है। और ये जो हिस्सा होता है ये भी बहुत कमजोर होता है, जीवन के अंदर दुख देने वाला होता है। इन लोगों को भी कम से कम हरे और नीले रंग से बिल्कुल परहेज करना चाहिए, और ऐसे लोगों को सबसे उत्तम है कि जैसे लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, इसी प्रकार से बुध की खराबी को बुध की ही चीज के साथ में घिस करके हम ठीक कर सकते हैं। और वो क्या है, यानी कि अगर ऐसा इंसान जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और अपने आप को डिप्रेस कर लेता है और इमोशनल ज्यादा हो जाता है, ऐसे इंसान को 43 दिन लगातार फिटकरी के साथ दांत साफ करने चाहिए, तो ये बेटा बुध के बुरेपन को काट देता है।
तो जो भी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल है, गलत जगह अटैच हो जाते हैं या गलत हालात पैदा कर लेते हैं छोटी छोटी बात का बुरा मान के, बेटा उन लोगों को फिटके के साथ दांत साफ करके इस चीज से दूर हो जाना चाहिए। और साथ में बुध और चंद्र का मेल करना बेहद जरूरी होगा, और वो कैसे, स्टील का एक ड्रम ले लीजिए या कम से कम 15-20 लीटर का, उसके अंदर गंगा जल भर के चार चांदी के चकोर टुकड़े डाल के उसको ढक्कन को कली का टांका या पीतल का टांका लगवा के बिल्कुल सील कर लीजिए, और उसे बंद करके ऐसे बच्चे के सोने वाले कमरे के अंदर उसे स्थापित कर लीजिए। ये बुध और चंद्र का मेल और फिटकरी के साथ किए हुए दांत साफ ऐसे बच्चे की आदतों को टोटली बदल देगा, मन को स्ट्रांग कर देगा और बच्चा बिल्कुल खुशी के साथ अपने घर में बसेगा। गुरुजी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वैभव कुमार गर्ग दिल्ली से। वैभव जी स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर 12:16 और समय है सुबह 12:19 का। जन्म का स्थान भी बता दीजिए। नई दिल्ली मैडम जी। सवाल क्या है आपका? गुरुजी मेरा बेटा ये कमजोर है, ये बीमार बहुत रहता है। बेटा इसकी जन्म कुंडली के अंदर तीन तीन योग बहुत ही बुरे हालात में बैठे हैं। सबसे पहले लग्न में बैठे हुए मंगल और शनि कहते हैं कि जीवन के अंदर 2 से 3 बार ये बहुत ही गहरा शारीरिक झटका देते हैं, जिसके अंदर एक तरह के मृत्यु तुल्य कष्ट बनते हैं, लेकिन जीवन कहीं नहीं जाता, जीवन चलेगा और बहुत अच्छा रहेगा। पहली बात तो ये। दूसरा, इसकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण, गुरु चंडाल योग या शुक्र ग्रहण कुछ भी बोल लो, ये 10वें घर के अंदर बैठे हुए सूर्य राहु शुक्र और बृहस्पति, बेटा 10वां घर होता है पिता के भी आगे कुंबे का खा है। अब ऐसे स्थान में यहाँ पर इनका विराजमान होना, ये पिता के हालात अपने परिवार के साथ में बहुत अच्छे नहीं रहने देता। उपाय क्या है बेटा? सबसे पहले 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जलाकर सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले इनको जाके या तो जलप्रवाह कर दो या जंगल में गिराए, ठीक है? और जब घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे खून का कोई भी ताल्लुकदार तुम्हारे सामने नहीं आना चाहिए, इस चीज का खास ध्यान रखना। दूसरा, 43 दिन लगातार 200 ग्राम जौ गौमूत्र के साथ धोकर के उनको जलप्रवाह कर दो, और 200 ग्राम जौ को गौमूत्र के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे, ये दूसरा उपाय है। फिर उसके बाद बेटा हर शनिवार 1 नारियल पूजा वाला, 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे ये लेकर के शनि मंदिर के अंदर देते हैं। मात्र इतना सा बेटा उपाय करके देखो, बच्चे का स्वास्थ्य उत्तम होगा, तुम्हारी कमाई उत्तम होगी और आपस में हर तरह से सबके रिश्ते बहुत उत्तम हो जाएंगे। दाता सकते हैं, बच्चों के लिए बता रहा हूँ, वो आज की डेट में बड़ों पर भी तो वही एप्लीकेबल होती है कि पूरा दिन काम किया, खाया पिया, बेड पे आके आराम किया या सारा दिन चेयर के ऊपर बैठे रहे, जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो अंदर श्वास नहीं पूरे होंगे, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं होगी, और जब ऑक्सीजन की मात्रा अंदर पूरी नहीं होगी, यानी कि बृहस्पति जो ज्ञान देता है, ऑक्सीजन जो ज्ञान देती है बेटा, वो जब अंदर होगी ही नहीं ताकत, तो होना क्या है, छोटी छोटी बात के ऊपर चिढ़ना, छोटी छोटी बात का इशू बनाना, और ना सही माँ बाप की बात का बुरा मान जाना, भाई बहन की बात का बुरा मान जाना, जीवन साथी की बात का बुरा मान जाना, यही सब कुछ तो पैदा होगा। तो बेटा रोज सरकार समझाती है, रोज हमारे वैज्ञानिक नई नई चीजों की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं, आजकल तो वो व्हाट्सएप वगैरह और सोशल मीडिया के ऊपर इतना कुछ वो बताते हैं कि अपने शरीर को अच्छा करने के लिए ये करें ये करें ये करें, और अगर और कुछ नहीं करना ना बेटा, तो एक सिंपल सा आप लोगों को नुक्ता देता हूं, आप जहां भी हो, अपने ऑफिस में, घर में, जहां भी हो, हर 1 घंटे में कम से कम 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, और 5 मिनट खड़े होकर के थोड़े बहुत हाथ पांव जैसे आपको आते हैं ना वैसे हिला लीजिए, कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे आप घूमना चाहते हैं, जैसे अपने शरीर को अकड़ाना चाहते हैं, जैसे कुछ करना चाहते हैं वैसे करना शुरू कर दीजिए, आज से ये शुरू कर दीजिए, और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अपने स्वभाव में, अपनी सेहत में आप बदलाव देख सकते हैं। इतना करके देखो बेटा, वाकई में आज की डेट में ग्रहों के इलाज से ज्यादा इन चीजों की भी जरूरत पड़ गई है। कारण ये कि इंसान अपने आप को इतना कमजोर कर चुका है कि ग्रह थोड़ा सा भी खराब हो तो वो बहुत खराब होता है। तो ऐसे लोगों को खास तौर पे शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान, काले नीले रंग से परहेज करना, हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना ताकि ऑक्सीजन की मात्रा और ज्यादा आपके अंदर जा सके, और दूध के अंदर शहद डाल के पीना आपके दिल को,
और आपके दिमाग को मजबूत करेगा। तो बेटा ये उपाय करो ताकि ये बुरापन खत्म हो और आप अच्छी तरह से अपने रिश्तेदारों के साथ अपना अच्छा जीवन चला सके। गुरुदेव, कई बार हम देखते हैं कि नौकरी और करियर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि इसको लेकर भी कई बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और एहसास नहीं हो पाता कि हाँ हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। इन लक्षणों को हम कैसे पहचाने? बेटा जब भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा पापी ग्रहों से प्रभावित हो जाता है तो हमारी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, याद रखने में भी प्रॉब्लम आती है और इंसान इमोशनल ज्यादा हो जाता है चंद्र शनि के मेल के कारण। और एक बात और बताऊं कि ये खास तौर पे उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है जिनकी आंखों की नजर में कुछ न कुछ हल्की सी कमी आने लगे, उनकी मां को भी दिखते ज्यादा बनी रहे या स्वास्थ्य की या स्वभाव की दिखते बनी रहे, और खास तौर पे मां को बचपन से ही बहुत अच्छा सुख ना मिला हो अपने पारिवारिक सुख में से। इन बच्चों के साथ में ये हालात घटित होना ये लगभग तय होता है। और ये चंद्र ग्रहण वाकई में बच्चे को मेहनत करने के लिए तो मजबूर करता है लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। कारण ये है कि चंद्रमा ही पढ़ाई का भी कारक है, जैसे बृहस्पति कारक है वैसे चंद्रमा भी कारक पढ़ाई के ही है, और बुध हमारी बुद्धि को बहुत ही अच्छी मात्रा में या ना अच्छी मात्रा में ये तय करते हैं कि होगी या नहीं। अब यहां पर जो बच्चा चंद्रमा के उपाय लगातार करता है उसको इस तरह की मुसीबत का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता। और उसके लिए क्या है कि हर सोमवार को और बृहस्पतिवार को अगर ऐसा बच्चा शिवालय में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर अगर जल अर्पित करता है तो बेटा चंद्रमा वैसे ही बहुत उत्तम रहते हैं। दूसरा, अगर आपको मनवांछित फल प्राप्त नहीं हो रहा, रिजल्ट पूरी तरह से निकल के नहीं आ रहे, उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है तो बेटा ऐसे में 2 किलो चावल में चांदी का चकोर टुकड़ा थोड़ा ठोस बनवा करके वो डालो और सफेद सूती कपड़े में लपेट के जहां आप सोते हो उस कमरे के अंदर आसपास के माहौल में कहीं पर भी रख लो, लेकिन बेड के जो बॉक्स होते हैं उनके अंदर बंद नहीं करना, उसको ओपन रखना है, ठीक है। अब उस चावल और चांदी में से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो और स्मेल के रूप में आपके नथनों में जाकर के आपके दिमाग को स्ट्रांग करेगी, कंसंट्रेशन को स्ट्रांग करेगी और एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे, ये चीज। तीसरा, दूध के अंदर थोड़ा सा शहद डाल के आप वो पीते रहें, दिन में एक बार कम से कम थोड़ा सा तेज पत्ता लेकर उसको चबा के खाएं, जिससे कि सूर्य भी आपके अंदर का स्ट्रांग होगा और चंद्रमा को मदद करेगा। और काले नीले रंग से परहेज करें, और अगर आंखों की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और साथ ही पढ़ाई लिखाई के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तब ऐसी अवस्था के अंदर एक उपाय बताने जा रहा हूं बेटा, ये बहुत ही कारगर रहेगा। और वो क्या है, 43 दिन लगातार आप सादा पानी बिल्कुल ना पिए।